दिनांक 15/5/24 को ढीबर निवासी सुखदेव सिंह के घर में अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में घुस करके सोने का सामान सब चोरी कर लिया गया था। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूत्र से उसी समय अगले दिन 2 अभियुक्त पकड़ा गया था और चोरी गई सामान को उस समय भी सोना और सोना में जैसे हाथ के कंगन था, नथिया था और 2 अंगूठी था और कान का 2 जोड़े झुमका और सोने का बजरंगबली और चांदी का कुछ 250 ग्राम के आसपास उस समय चांदी को भी बरामद कर दिया था और उसी समय 2 को जेल भेजा गया था। जी, 1 अभियुक्त को उस समय नहीं पकड़ा जा सका, ये प्यार उतने दिन से चल रहा था और कल दिनांक 15/9/24 को गुप्त सूचना के आधार पर इसे बाढ़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और इसकी निशानदेही पर उस कांड में चोरी गई सामान जिसमें 2 सोने का चैन और 2 सोने का अंगूठी बरामद नहीं किया गया, इसी की निशानदेही पर कल 2 सोने का चैन और 2 सोने का अंगूठी को बरामद किया गया। मतलब सुखदेव सिंह के घर से सर जो भी सामान की चोरी हुई थी सारे सामान बरामद हुए? हाँ, उस समय उन लोगों द्वारा बताया गया कि सर पूरा सामान मिल गया लेकिन बस 2 सोने का चैन और 2 अंगूठी, जो सोने का है वो नहीं यही लिया था। हाँ, ये अपना तीनों जो चोर थे ना, ये तीनों अपने अपने हिस्से में बांट करके लेकर चले गए थे, इसके हिस्से का जो भी था उस समय बरामद नहीं हो सका था, तिहार से उड़ा था। इनका आपराधिक इतिहास भी? हाँ हाँ, इनका आपराधिक इतिहास महद्दीनगर समस्तीपुर जिला में था, उसमें भी 2-3 कांड मवांछित है, फिर अकमलगोला में भी है, बाढ़ में भी है और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है। कई जिला में ये चोरी घटना को अंजाम देते थे। कहाँ के रहने वाले थे सब? ये है गैस गोदाम बाढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है?